शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से तुम फिर आगे मेरे परिवार में दखल देने? मैं यहाँ सिर्फ सानवी से मिलने आया हूँ और मेरी दोस्त भी यहाँ है और मैं देख रहा हूँ तुम मेरी दोस्त के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो। अपनी हद में रह मोहित। हद तो तुम पार कर रहे हो भाई, अपनी बीवी को बार बार नीचा दिखा के। श्रद्धा, अगर इसे तुमसे प्यार नहीं है, तुम पे विश्वास नहीं करता और ना पत्नी की तरह इज्जत दे सकता है तो खत्म कर दो ये रिश्ता और चलो अपने घर वापस। श्रद्धा, तुम ऐसे इंसान के साथ रह के कब तक खुद को सजा देती रहोगी? जबान जबान के बात कर। मेरे घर में आके मेरी बीवी से मेरे बारे में बकवास कर रहा है। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। अबे क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? छोड़ छोड़। मतलब बाहर का आदमी हमारे बेटे को कुछ भी बोलता रहे वो ठीक है? आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ तुझे, मेरी बीवी से दूर रह, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा तेरे लिए। 6 साल से एक भी बार नहीं पूछा कि वो जिंदा है या, और आ गए अब अपना पति का हक जताने के लिए। खुद तो आराम से है, अपने परिवार के साथ जी रहे थे और वो अकेले एक अनजान शहर में। उसने सानवी को पाला, उसने उसको हर चीज दी जो एक बच्चा चाहता है, फिर भी तुम उसकी इज्जत नहीं करते और करोगे भी कैसे? सब कुछ तुम्हें थाली में जो परोसा हुआ मिला है। मोहित, पता क्या है तुम्हें अभय के बारे में? इन 6 सालों में उन्होंने अपना बिजनेस अकेले खड़ा किया है, जानते हो तुम? इन 6 सालों में हमारी 25 सिया को अकेले पाला है इन्होंने। घर में इतने सारे लोग हैं, इतने सदस्य के बीच में भी कितना अकेले रहे हैं वो, ये जानते हो तुम? नहीं ना, इन 6 सालों में भले ही मेरे और अभय के रिश्ते के बीच में दूरियां रही, पर आज भी हमारा रिश्ता ऐसा है कि हम एक दूसरे को समझते हैं। भले ही सुख दुख में एक दूसरे के साथ ना हो, मगर एक दूसरे का सहारा बनके हमेशा खड़े रहते हैं और पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। जुबान पे भले ही कितनी भी कड़वाहट क्यों ना हो, पर दिल में हमेशा प्यार ही होता है और इससे किसी की इज्जत कम नहीं हो जाती है। मोहित, मोहित, मैं जानती हूँ कि एक दोस्त के नाते तुम मेरी बहुत परवाह करते हो, पर हर दोस्ती का एक दायरा होता है और अगर तुम इस दायरे को मानकर चलो तो ये अच्छा होगा। आज के बाद से हमारे किसी भी मामले में दखल मत देना और अब तुम यहां से चले जाओ। चले जाओ मोहित, प्लीज। अगर तुम्हें लगता है ना कि मोहित के आगे मेरे लिए खड़ी हो गई तो मैं शांत हो जाऊंगा तो तुम गलत हो श्रद्धा। मेरी नाराजगी तुमसे सबसे ज्यादा है। लड़के को तो पति पत्नी के तमाशे से दूर कर दिया, पर मेरी नजर से नहीं बच सकते तुम दोनों। बच गया तुम्हारा दोस्त आज। मेरे घर के मामले में अगर फिर से उसने दखल दिया तो छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। मुझे क्या देगा वो आप? और क्या गलत बोला मैंने? तुम्हें सच में दिमाग के इलाज की जरूरत है? कुछ भी बोलती रहती हो। दिन भर बस पायल पायल पायल। तुम दोनों माँ बेटी ना, दोनों का इलाज करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे पागल कर दोगे तुम दोनों। अब है ये बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पे मैं आपके लिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए आई हूँ और आप कुछ भी कर लीजिए, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। क्या कर रही थी तुम? मैम, वो मैं पूछने आ रही थी कि कल मैं बच्चों के लिए क्या टिफिन बनाऊं, उसकी तैयारी कर लेती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी तक अपने बच्चों के लिए खाना बनाते आई हूँ और आगे भी बना लूंगी।
तरह से लग चुकी है। अब कल ऐसा जला के भस्म करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। देखो आंटी, मैंने सारा काम कर दिया, अब मैं हमेशा गुड गर्ल की तरह रहूंगी। बस अब आप मुझे मेरी पाय मम्मा से मिला दो ना। बहुत जल्द बेटा, बस कुछ दिन और। नहीं, मुझे मेरी पायल मम्मा से मिलना है। मैं कल पक्का आपको आपकी पायल मम्मा से मिलवा दूंगी। अब ठीक है, आपकी प्यारी पायल मम्मा ने अपनी गुड़िया बेटी के लिए ये सुंदर सी पायल भेजी है। वाओ, ये कितनी सुंदर है। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आप मेरी बात मानोगे तो मैं जल्द ही आपको आपकी पायल मम्मा से मिलवा दूंगी। एक आखिरी बात मानोगे? अब आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। सांजी बेटा, ये पायल कहाँ से मिली आपको? वो मैम, एक्चुअली सानवी को ये पायल मैंने दी है। कितनी समझदार हो गई है, इसमें जो सुधार आया है इसकी वजह से कोई तो मेरी तरफ से भी तोहफा बनता था। सानवी बेटा, अभी आपके सोने का वक्त हो गया है ना? ठीक है, एक बार बुक्स चेक करके सो जाती हूँ। तोहफा हो या ना हो, मुझसे बिना पूछे तुम सांझी को कुछ भी नहीं दोगी। अगर उसे कुछ भी देना है तो सबसे पहले वो मुझे दिखाओगी। जी मैम। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट मम्मा। आज तो सांझी का दिन था और कल तुम्हारे लिए एक बहुत खास तोहफा तैयार किया है श्रद्धा। कीर्ति, क्या रहा, अब तक सो रहे हो तुम दोनों? मम्मी बस पांच मिनट। कीर्ति, क्या रहा बेटा, आप तो उठो, स्कूल जाना है आपको। बस पांच मिनट। हे भगवान, ये दोनों ना रोज सुबह उठने में ऐसे ही देर करते हैं, इसीलिए वरुण जी बेचारे इतना परेशान रहते हैं। पर तुम दोनों को उठना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल सही बात है। क्या रहा बेटा, उठो जल्दी बेटा, आप उठो और तैयार हो जल्दी से, आराम से चलो जल्दी से। आ रहे हैं। अच्छा सानवी बेटा, अच्छे बच्चे की तरह अपने पापा को डांस क्लासेस के बारे में बता देना, वो आपको लेने जाएंगे। नहीं, मुझे मम्मा के साथ ही जाना है। क्यों सानवी बेटा, जब पापा हैं तो आप पापा के साथ क्यों नहीं जा सकते? पापा डांटते हैं और गुस्सा भी करते हैं। नहीं, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। अब तुम गलती करोगे सिर्फ तभी वो गुस्सा करेंगे, नहीं करोगे तो अच्छे से रहेंगे और प्यार भी करेंगे। बिल्कुल। और सानवी बेटा, पापा ना इन दिनों थोड़े परेशान हैं इसलिए वो गुस्सा कर रहे हैं, नहीं तो आपने भी देखा है ना, वो आपको कितना प्यार करते हैं। हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे आपके साथ ही जाना है, मुझे पापा नहीं चाहिए। सानवी बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। अच्छा सानवी बेटा, मम्मा ही जाएंगी आपके साथ। मैम, मुझे माफ कीजिएगा कि मैंने बीच में ही बोला, पर यही समय है आपके पास सानवी के साथ अपने सारे किले शिकवे सुधारने का। किले शिकवे बड़ों के साथ होते हैं, अपने बच्चों के साथ नहीं होते। हाँ मैम, पर आजकल सानवी कितनी उखड़ी उखड़ी सी रहती है, और अगर वो खुद से आपके साथ समय बिताना चाहती है तो आपको मना नहीं करना चाहिए, बल्कि दोस्ती बढ़ानी चाहिए।
तो फिर तय हो गया, सानवी और मम्मा साथ जाएंगे। सानवी के साथ दो पल बिताकर तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे सब ठीक हो गया, पर श्रद्धा मुश्किल की घड़ी तो अब शुरू होगी। क्यारा बेटा बहुत देर हो गई है, जल्दी से ये टिफिन अपने बैग में रखो, चलो वरना फिर से लेट हो जाएंगे। ये सुबह सुबह कौन आ सकता है, हम देखते हैं। अरे मेनका बेटा आप यहाँ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आइए अंदर आइए। सुबह सुबह कैसे आना हुआ आज? मेरा तो रोज का रूटीन है आंटी, रोज सुबह 5 बजे उठ के योगा करती हूँ, फिर थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। बहुत अच्छी आदत है बेटा, हमारी कीर्ति को भी कुछ सिखाइए, अब तक सो रही है। कीर्ति बेटा, कीर्ति, मेनका तुमसे मिलने आई है। मेनका यहाँ इतनी सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग कीर्ति। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मेनका। कीर्ति हम स्कूल जा रहे हैं। क्या रहा? एक सेकेंड। आज सिया से ना आप सब कुछ पूछना कि घर पे क्या चल रहा है, सारी बात निकलवाना, है ना? ठीक है ठीक है, हमें पता है क्या करना है। नानी चले? हाँ चलो बेटा, आप बैठो, हम आते हैं। चलो बेटा चलो। बाय। इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? पहले वरुण जी को तो बुलाओ, साथ में इनविटेशन दे दूंगी। वो तो पार्टी हाउस में है माँ पापा के साथ। ओ वो यहाँ नहीं आए? नहीं। अच्छा ये सब छोड़िए ना, आप ये बताइए कि आप क्या लेंगी, चाय ठंडा? आज मैं तुम्हें अपने हाथ का जादुई जूस पिलाती हूँ। चलो देखना, जब तुम ये पियोगी तो ऐसी ठंडक पड़ेगी दिल में, ऐसी ठंडक कि सीधा दिमाग शांत। क्या हुआ है, परेशान लग रहे हो? हाँ वो मेनका, वरुण जी ना, वरुण जी यहाँ हमारे साथ रहने को तैयार नहीं हुए और हम भी वापस जा नहीं सकते, तो हमें टेंशन हो रही है कहीं हमारा रिश्ता ना खराब हो जाए, और हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी घर वापस आके? शांत हो जाओ, सांस लो, अब छोड़ो। हड़बड़ाहट में किसी भी चीज़ का हल नहीं निकलता। जब भी कोई बात तुम्हारे मन में उलझन डाले तो ऐसे आंखें बंद करना, गहरी सांस लेना और उसका हल निकालने की कोशिश करना। सच में आपसे बात करके ना मन हल्का हो जाता है। और तुम ना हर बात दिल से मत लगाया करो, गुस्सा बढ़ेगा तो तुम्हारा ही नुकसान है। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, दिल में सिर्फ वही बात रखो जो तुम्हारे फायदे की हो। और हाँ हमेशा याद रखना, मर्द सबसे पहले अपनी माँ का होता है, फिर बीवी का, तो पहले उसकी माँ को अपनी तरफ कर लो, फिर पति तन मन धन से तुम्हारा हो जाएगा। ये लीजिए। मम्मी बस पेट भर गया। आपने कहाँ अभी कुछ खाया है, लीजिए ना एक। नहीं मम्मी बस, और नहीं खाया जाएगा। आज हमने कियारा की पसंद का पास्ता भी बनाया था, हमें लगा था कि वो आज आ जाएंगी, लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए, उनका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह होता है, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी कियारा कब तक आपके हाथ के बने पास्ता से दूर रह पाएगी, है ना? हम जानते हैं कीर्ति ना अपना सारा काम यशवी जी और सक्षम जी पे डाल देंगे, कियारा की जिम्मेदारी भी, पर हमारी तो वैसे ही कहां उन्हें कभी परवाह थी। हमें कैसे फोन कर रही है? हेलो हेलो
माँ नमस्ते, कैसे हैं आप? हम ठीक है बेटा, आप कैसी हैं? माँ हमें पता है कि आप हमें और कियारा को बहुत याद कर रही थी, हम दोनों भी आपको बहुत याद करते हैं। आपके हाथ के बनाए खाने को भी बहुत मिस करते हैं, पर हम अभी घर वापस नहीं आ सकते। हम जानते हैं कि हमारी गलतियों के कारण घर में इतना बड़ा तमाशा हो गया, हमें थोड़ा वक्त चाहिए उन्हें सुधारने के लिए। दीदू हम पे कभी विश्वास नहीं कर पाती और इसी कारण आप सबका भी विश्वास हमसे उठ गया है। थोड़ा वक्त दे दीजिए बस हमें, बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा और दवाइयाँ वक्त पे लीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा, आपको जितना वक्त चाहिए ना आप ले लीजिए, और आप भी अपना और कियारा का ध्यान रखिएगा, ठीक है? जी। कहा था ना मैंने, अपनी गलती मानना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके फायदे बड़े बड़े। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो कमाल ही हो गया। कितने वक्त से माँ ने हमसे इतने प्यार से बात ही नहीं की थी। मम्मी, प्यार हम सबको सही रास्ता दिखा ही देता है। अभी देखिए, कीर्ति ने आपसे माफी मांगी है, आप देखना बहुत ही जल्दी सुधर जाएगी, हमारे परिवार की भलाई के लिए, और जल्द ही हमारे घर में वापस आ जाएगी। चलो ये पी के देखो। कैसा? अरे आंटी आप भी पीजिए ना, ऐसी गर्मी में अच्छी ठंडक देगा। नहीं बेटा आप दोनों पियो और यहाँ बैठकर बातें करो, हम आते हैं। वैसे बड़ी छुपी रुस्तम हो तुम, बिना मेरे सलाह मशवरे के राज पे ऐसा क्या जादू किया तुमने? हमने क्या किया? अच्छा उस दिन तुम्हारे जाने के बाद से सिंघानिया साहब तुम्हारे ही गुणगान गा रहे हैं, झरनों की तरह तुम्हारी खूबसूरती में शायरियां ऐसे बह रही हैं कि पूछो मत। अब उनकी तारीफों का हम कुछ नहीं कर सकते, हम शादीशुदा हैं और हमारी एक बेटी भी है, उन्हें बता दीजिएगा। पता तो उन्हें भी है, बेचारा। बेचारा? वो कैसे बेचारा हुए? कमी क्या है उनकी जिंदगी में? जिंदगी में कमी कई बार बाहर से नहीं दिखती, जिसे है सिर्फ उसे ही महसूस होती है। अब तुम्हें देखकर भी कोई नहीं कहेगा तुम्हारी जिंदगी में कोई कमी है, पर राज अपनी लाइफ में बहुत अकेला है, अपनी बिन प्यार की शादी में फंस चुका है बेचारा। उसकी बीवी साल के 10 महीने देश के बाहर रहती है उसे यहाँ अकेला छोड़कर। जिंदगी का खेल भी कितना अजीब है ना, किसी के पास प्यार है तो पैसा नहीं, अगर पैसा है तो प्यार नहीं। काश ये दोनों मिल जाते तो जिंदगी कितनी आसान और हसीन हो जाती। नहीं यो? मम्मी जी ये आपकी बीपी की दवाई? हाँ हाँ रख दो, हम बाद में ले लेंगे। जी जी। ये पकड़ो, पकड़ो इसे और एक बार हमें मार के खेल खत्म करो तुम। अब क्या हो गया मम्मी? अरे हमसे क्या पूछ रहे हो? पूछो अपनी प्यारी पत्नी से, हमारे बीपी की दवाई के बदले नींद की दवाई रख दी है इसने हमारे लिए। नहीं मम्मी जी, मैंने तो बीपी की ही दवाई रखी थी। मम्मी झूठ बोल रही है क्या? क्या दवा अपने आप बदल गई? खुद का ख्याल तो रख नहीं सकती हो, कम से कम दूसरों का तो मत बिगाड़ो। अबे चुप कर, छोटी सी गलती है उसको पहाड़ मत बनाओ। परेशान है बेचारी, गलती होगी होगी। अपनी परेशानी अपने तक रखे ना, मम्मी को कुछ हो जाता तो? और क्या,
जब तुम परेशान होते हो तो कुछ भी करते हो, उसका क्या? श्रद्धा को समझाने की बजाय गुस्सा हो रहे हो, अपने गुस्से को कंट्रोल करो। आइए तुम लोग, मैं आपकी दवाई खिलाता हूं, आइए। अरे चलिए ना, छोटी सी बात थी। आजकल क्या हो जा रहा है मुझे, क्या कर रही हूं मैं? रीमा मेरे साथ चलो, बच्चों को लेकर आना है। मेरा तो जैसे आत्मविश्वास ही हिल गया है। मैम मैं आपके साथ जरूर जाती, पर वो मेरे पैर में बहुत जोर से मोच आई है, बहुत दर्द हो रहा है। सिया बेटा, सानवी कहाँ है? मम्मा वो मेरे साथ ही निकली थी, पर पता नहीं कहाँ चली गई। सानवी, सानवी, आपने मेरी बच्ची सानवी को देखा है क्या? सानवी, 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 भैया आपने मेरी बच्ची सानवी को देखा है क्या कहीं? सानवी, 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 सानवी बेटा, हेलो, अबे सानवी नहीं मिल रही है स्कूल में, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए यहाँ। सानवी, ऐसे अचानक कहाँ गायब हो सकती थी सानवी? तुमने टीचर और बाकी सबसे पूछा क्या? सबसे पूछ लिया, अबे वो कहीं नहीं मिल रही है। मैं ये लोग कौन है, क्या कर रहे हैं आप? अभी नहीं प्लीज, इसी में हम सबकी और श्रद्धा की भलाई है मम्मी। अभी प्लीज ऐसा मत कीजिए, अभी मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ, ये सब कुछ रीमा का किया कर रहा है। अभी पायल